लड़की और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही देश की पहली डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य नहीं रही। सिस्टम को सुधारने की धुन सवार लिए कंचन चौधरी पुलिस सेवा में आईं। 1973 बैच की महिला आईपीएस अफसर कंचन चौधरी भट्टाचार्य साल 2004 में उत्तराखंड की पुलिस महानिदेशक बनी और 31 अक्टूबर 2007 को वो पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर हुई। उनके निधन की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कंचन भट्टाचार्य लंबे समय से बीमार थीं। उत्तराखंड पुलिस ने उनके निधन पर अपने फेसबुक पेज से उनकी तस्वीर शेयर भी की। उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट कर लिखा, प्रदेश की पूर्व डीजीपी श्रीमती कंचन चौधरी भट्टाचार्य 1973 बैच की आईपीएस अधिकारी जो कुछ समय से बीमार चल रही थीं, के निधन पर उत्तराखंड पुलिस उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उत्तराखंड पुलिस में उनके द्वारा दिए गए अभूतपूर्व योगदान को याद करती है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य के निधन पर आईपीएस एसोसिएशन ने भी शोक जताया। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली कंचन चौधरी ने अमृतसर के राजकीय महिला महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी की। इसके बाद ग्रेजुएशन और पीजी कोर्स अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। कंचन चौधरी भट्टाचार्य बेहद सरल और सहज व्यक्तित्व वाली थी। पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद कंचन चौधरी भट्टाचार्य ने राजनीति में भी हाथ आजमाया और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के टिकट से हरिद्वार सीट से चुनाव भी लड़ी लेकिन जीत नहीं पाई। कभी कंचन चौधरी के जीवन से सीख लेकर दूरदर्शन पर एक सीरियल उड़ान भी आया जिसको देख ना जाने कितनी लड़कियां हिम्मत और हौसले की बदौलत अपनी जिंदगी में निडर होकर आगे बढ़ी। उनके व्यक्तित्व की मिसाल यही नहीं रुकती। साल 2004 में मेक्सिको में आयोजित इंटरपोल की बैठक में भारत की तरफ से उन्होंने नुमाइंदगी की। इससे पहले साल 1997 में प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा जा चुका है। कभी बिगड़े सिस्टम को सुधारने की ठान पुलिस सेवा में आई कंचन चौधरी हमेशा ये मानती थीं कि पुलिस के पास पावर तो है लेकिन खादी वाले उसे इस्तेमाल नहीं करने देते। यदि पुलिस को उनकी पावर दे दी जाए तो वो और बेहतर काम कर सकती है। आज भले ही जज्बे और हिम्मत की मिसाल कही जाने वाली कंचन चौधरी भट्टाचार्य हमारे बीच नहीं लेकिन उनके व्यक्तित्व और उनकी सोच आज भी उन तमाम लड़कियों और महिलाओं के बीच जिंदा है जो जंग लगे सिस्टम से लोहा ले रही हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com